हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू उत्तराखंड जीके वैली जी। ठीक से देखिए, यूके ट्रिपलसी के 854 पदों पर वीडियो, वीपीडियो, एआरओ, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सर्वेयर सहित काफी सारे पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, मुझे काफी सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर, जब भी हम लॉग इन कर रहे हैं तो हमारी लॉग इन आईडी को एक्सेस नहीं कर रहा है। यानी कि पहले जो भी आपको यूजर आईडी और पासवर्ड यूके ट्रिपलसी के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, वह अभी वर्किंग नहीं कर रहा है, क्योंकि यूके ट्रिपलसी ने प्रेजेंट टाइम पे अपना फॉर्मेट या अपना पोर्टल का थोड़ा सा लॉगिन आईडी वाला पोर्टल चेंज आउट कर दिया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ध्यान से सुनना है, आप ये चीज अपने मोबाइल में भी घर बैठे कर सकते हैं और अपने ओटीआर पर एंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले, जो भी आपका पहले यूजर आईडी था और जो पासवर्ड था, वह दोस्तों अभी यूके ट्रिपलसी ने एग्जिस्ट नहीं किया है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। काफी सारे लोग तो मुझे ये भी कहते हैं कि क्या सर, हमें नया ओटीआर कराना पड़ेगा। तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपको वह जो आपका पुराना ओटीआर था वही रहने देना है, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने अन्य पदों पर भी आवेदन किया होगा और वो उसी ओटीआर के थ्रू किया हुआ होगा। तो अभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है। देखिए, जब भी आप अपने पहले यहाँ पे यूजर आईडी लिखा हुआ था, जहां पर अभी ईमेल आईडी लिखा रहा है, यहाँ पर आप अपनी यूजर आईडी डालते थे और यहाँ पर आप अपना क्या डालते थे, पासवर्ड डालते थे। और उसके बाद में यहाँ पर एक कैप्चा कोड डाला जाता था, जिसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का ध्यान दिया जाता था, और यहाँ से आप इसे लॉग इन करते थे तो आपका ओटीआर खुल जाता था। लेकिन अभी यूके ट्रिपलसी ने अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा अपडेट किया हुआ है। इसके लिए दोस्तों, अगर आप लोगों को अपनी पुरानी वाली ईमेल आईडी याद है, जो कि आपने ओटीआर में डाली है, तो आपको यूजर आईडी की जगह पे अपनी ईमेल आईडी का यूज करना है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि अगर आपको ईमेल आईडी याद है जो आपने अपने ओटीआर में डाली हुई है, तो आपको यहां पर ईमेल आईडी डाल देनी है। अगर आपको ईमेल आईडी याद नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पर देखिए फॉरगेट ईमेल आईडी का ऑप्शन आ रहा है, फॉरगेट ईमेल आईडी। तो आपको यहां पर क्लिक करना है फॉरगेट ईमेल आईडी में। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे, तो यहां पर आपका कैंडिडेट नाम लिखने को आ जाएगा। नीचे यहां पर आपको अपनी मदर का नाम, यहां पे अपना नाम, यहां पे अपनी मदर का नाम, यहां पे आपका बर्थ स्टेट लिखना है आपको, यहां पर आपका बर्थ डिस्ट्रिक्ट आपको लिखना है, ठीक है, कि कहां पर आपका जन्म हुआ था। यहां पर आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखनी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है डॉक्यूमेंट में, और यहां पर आपको वो कैप्चा कोड डाल देना है। जैसे आप ये कैप्चा कोड यहां पर डालेंगे, यहां से आप उसे सबमिट करेंगे, तो आपकी ईमेल आईडी वो आगे जाकर आपको दिखा देगा। यहां पे ऊपर टॉप में आपकी ईमेल आईडी आपको दिखा देगा कि आपकी ईमेल आईडी ये है। तो आपको वो ईमेल आईडी नोट डाउन कर लेनी है। उसके बाद दोबारा आपको यहां से बैक टू लॉगिन में जाना है। तो देखिए, ईमेल आईडी आपको मिल गई है, ठीक है। तो मैंने अपनी ईमेल आईडी यहां पर डाल भी दी है कि मेरी ईमेल आईडी मेरे को मैंने रिसेट कर ली थी। दूसरी चीज दोस्तों, अब पासवर्ड, क्या आपका पुराना वाला पासवर्ड सेम रहेगा? नहीं दोस्तों, अगर आप वाला पासवर्ड ईमेल आईडी के साथ में डालते हैं तो फिर भी आपका ये चीज एक्सेप्ट नहीं होगी। तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, अपना पासवर्ड रिसेट करना पड़ेगा। पासवर्ड रिसेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉरगेट पासवर्ड पे जाना पड़ेगा। जैसे ही आप फॉरगेट पासवर्ड पे जाएंगे, तो यहां पर ऑप्शन आएगा आपका ईमेल ऐड करने का। तो यहां पर आप अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा और नीचे यहां पर अपना कैप्चा कोड डाल दीजिएगा। कैप्चा कोड दोस्तों, आप कैपिटल और स्मॉल लेटर का बिल्कुल ध्यान दीजिए कि जो कैप्चा कैपिटल में लिखा गया वही कैप्चा आपका स्मॉल में भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, यहां से आप कैप्चा कोड जैसे ही एंटर करेंगे, यहां से आप इस चीज को सबमिट करेंगे, तो आगे जाकर फिर आपके लिए क्या आएगा, आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, मोबाइल में या फिर जो ईमेल आईडी है उसमें एक ओटीपी आएगा। तो सबसे पहले वाले ऑप्शन में आपको उस ओटीपी को फिल करना है, उसके नेक्स्ट दो ऑप्शन में आपको न्यू पासवर्ड अपना बनाना है। और पासवर्ड दोस्तों हमेशा इस प्रकार का बनाइएगा कि आपका जो पहला लेटर है वो कैपिटल लेटर हो, उसके बाद में स्मॉल लेटर हो, उसके बाद में @123। जैसे मेरा नाम योगी है, तो मैं पासवर्ड बनाऊंगा तो मैं योगी@123, या आप थोड़ा सा अलग टाइप से बना सकते हैं, आपका जो नाम है @, उसके आगे आपका मोबाइल नंबर या लास्ट की जो डिजिट, और ये पासवर्ड और ईमेल आईडी को जरूर याद रखिएगा। जैसे आपका नया पासवर्ड बनेगा तो कहेगा योर पासवर्ड रिसेट इज सक्सेसफुल। फिर से आपको क्या करना है, बैक इन लॉगिन पे आना है और यहां पर जो आपकी नई ईमेल आईडी है जो आपको मिली हुई है या जो पहले से आपको याद थी या जो आपने फॉरगेट करके प्राप्त की है वो आपको डाल देनी है, और यहां पर आपको उसका क्या कर देना है, पासवर्ड भी डाल देना है, ठीक है। तो जैसे आप ईमेल आईडी और पासवर्ड आप यहां पर डालेंगे और नया वाला पासवर्ड डालना है, ठीक है, और ये ईमेल आईडी, उसके बाद आपको यहां पर ये कैप्चा कोड भरना है, ठीक है। कैप्चा कोड पर देखिए कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का ध्यान देखना, सबसे पहले 5 लिखा गया तो 5 का 5 देखिए, फिर W कैपिटल में लिखा गया तो आपको W दोस्तों कैपिटल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। मोबाइल में भी आप ये चीज कर सकते हैं, W कैपिटल में लिखना पड़ेगा। फिर देखिए M क्या है, स्मॉल में लिखा गया तो M आपको स्मॉल में लिखना है। फिर देखिए H फिर से कैपिटल में लिखा गया H, ठीक है। P भी कैपिटल में लिखा गया है और J भी क्या है, कैपिटल में लिखा गया है। अब मैं यहां से इसे लॉग इन कर देता हूं, तो मेरा थोड़ा सा कैप्चा गलत हो गया, वो शायद कैपिटल स्मॉल लेटर का। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, ये चीज अभी मैंने जानबूझ के की थी, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। देखिए फिर से आप देखिए कि पहला वाई जो है वो स्मॉल है, ठीक है। तो कैपिटल और स्मॉल लेटर का अगर आपकी गलती होगी तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। फिर कैपिटल लेटर का एम है, फिर जी भी कैपिटल लेटर का है, फिर देखिए 9 है, उसके बाद में स्मॉल लेटर का एफ है, उसके बाद में W है और उसके बाद में H है, और स्पेस स्पेस का भी ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी इसके बीच में स्पेस नहीं होता है। आगे आपको यहां से लॉग इन करना है। तो जैसे आप लॉगिन करके देखिए आपके सामने ये स्टेप खुल के आ गए, इन्हीं स्टेप से आपको अपने यूके ट्रिपलसी का फॉर्म भरना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं,
ठीक है। तो ये है नाम, ये दोस्तों एक फेक मतलब मेरे दोस्त का पेज है, ठीक है। तो मैं उसके पेज में आपको आईडी करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका नाम, पर्सनल डिटेल, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपका आधार कार्ड अगर आपके पास होगा तो यहाँ पर आपको यस करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और आपका आधार कार्ड में नाम डालना है। उसके बाद देखिए आपकी डेट ऑफ बर्थ, एज वेज सारी सब कुछ सही है। यहाँ पर आपको मदर्स का नेम वगैरह वगैरह सारा सब कुछ आपका सही है, ठीक है। बाकी आपका जो एड्रेस है, एड्रेस भी यहाँ पे सेम है। अगर आपको चेंज कराना है तो आप यहाँ पे अपने एड्रेस को भी चेंज कर सकते हैं। बाकी अपने आइडेंटिटी मार्क आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, आपका बर्थ कौन से विलेज में हुआ है, कौन सी सिटी में हुआ है, वह सभी चीजें आपको यहाँ पर एड कर लेनी है, ठीक है। तो सभी चीजें आप यहाँ पर एड कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे को आइएगा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है वेदर डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, क्या आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है। तो आपको करना है यहाँ पे यस, ठीक है। आपको यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद में देखिए यहाँ पर मेरे जो मेरे पास पहले का मेरा डोमिसाइल था उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो आप सभी के उसमें ये चीज नो हुई होगी, तो आपको ये यस करनी है। और जो जो भी कॉलम आपके छूटे हुए हैं ना, ये सारे कॉलम आपको भर लेने हैं और दोबारा से भरने, ठीक है। जैसे कि आधार कार्ड वाला ऑप्शन आपको भरना ही भरना है, तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और फिर आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नाम भी डालना है। ऐसे आप देखिए नीचे को आपको सारी चीजें भरनी हुई है, जो जो भी चीज है, और जिसके आगे स्टार लगा हुआ है वो चीज तो आपको दोस्तों भरनी ही भरनी है। जैसे मेरा हिल का है तो मैंने यहाँ पे हिल डाला हुआ है, ठीक है। देखिए आगे आपसे पूछा गया है कि अगर आप क्या पीएच है, तो अगर आप पीएच नहीं है तो आपको नो करना है। बाकी देखिए अगला ऑप्शन यहाँ पे कैटेगरी का है, आप अगर अनरिजर्व या जनरल है तो अनरिजर्व या जनरल, अगर आप ओबीसी है तो यहाँ से आप इसे ओबीसी में सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अगर आप ओबीसी में है तो यहाँ पर आपको अपनी ओबीसी की डिटेल डालनी पड़ेगी, जैसे आप क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर है, आपका ये ओबीसी सर्टिफिकेट कब तक के लिए वैलिड है, सर्टिफिकेट की इश्यूइंग डेट क्या थी आपकी, सर्टिफिकेट इश्यू अथॉरिटी कौन है, किसके द्वारा ऑथर किया गया है, यहाँ पे आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर डालना है और यहाँ पर आपको आपका इश्यूइंग ऑर्डर डालना है, ठीक है। अगर आपकी जो कैटेगरी है वो ओबीसी नहीं होगी, एससी एसटी है, तो वहां पर भी आपको ये चीज करनी है। आप काफी सारे लोगों की अगर कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी आपको यहां पे ध्यान देनी है। और आपको एक चीज दोस्तों जरूर याद रखना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वह आउट नहीं होना चाहिए, यानी कि वो ये आप ही कह सकते हैं वो वैलिड होना चाहिए, यानी कि वो अनवैलिड हो गया हो या उसकी वैलिडिटी कंप्लीट हो गई हो, ठीक है। जैसे ओबीसी की वैलिडिटी 3 साल होती है ओबीसी सर्टिफिकेट की, और ईडब्ल्यूएस की होती है 1 साल। तो अगर आपका वो एक्सपायर हो गया है सर्टिफिकेट, तो आपको दोबारा से बनाना पड़ेगा, गलत डिटेल आप यहाँ पे मत डालिएगा। तो वैसे ही देखिए अगर आपका ईडब्ल्यूएस है तो यहाँ पर आपको ईडब्ल्यूएस कर लेना है, और जनरल है तो जनरल रहने देना, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस से भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फिर ईडब्ल्यूएस में भी सर्टिफिकेट नंबर डालना है और उसका इश्यूइंग डिस्ट्रिक्ट डालना है, सर्टिफिकेट यूजिंग ऑथोरिटी डालनी है, किसने ऑथर किया, और यहाँ पे सर्टिफिकेट की इश्यूइंग डेट आपको डालनी है। और आपको ध्यान रहे दोस्तों जो आपके एक्सपायर डॉक्यूमेंट है वो ना डालें, ठीक है। उसके बाद अगर आप 1 साल भी मैन पर्सन है तो आप यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं, जो भी चीजें हैं आप उसे चेंज आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फ्रीडम फाइटर है तो यहाँ पर आप यस या नो करके वो चीजें भी दोस्तों भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से आपको क्या करना है, सेव टू नेक्स्ट करना है, ठीक है। जैसे आप सेव टू नेक्स्ट करेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या हुई है, ये डिटेल्स नहीं भरी हुई है, ठीक है। तो आपको ये डिटेल्स, तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी सभी जानकारियां सही सही फिलअप कर देनी है, जो भी मैंडेटरी ऑप्शन है, यानी कि जिन पर स्टार लगा हुआ है वो चीज आप जरूर ध्यान से देख लें, और अपने सर्टिफिकेट का भी जरूर ध्यान दें कि आपका सर्टिफिकेट जो है भले ही वो आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट हो या वो कोई आपका अन्य सर्टिफिकेट हो, वो एक्सपायर ना हो। बाकी सभी चीजें आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप फ्रीडम फाइटर है तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, एक्स आर्मी मैन है तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, अगर आप पीएच है या विकलांग है तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। बाकी सभी जानकारियां आप आसानी से भर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करना है, और सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके पास में स्टेप टू खुलेगा, ठीक है। स्टेप टू में देखिए आपका परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो आपको इसमें अपना एड्रेस फिलअप करना है, बाकी सभी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर भर लेनी है। जो जो भी ऑप्शन आपके यहाँ पर ब्लैंक है वो ऑप्शन आपको यहाँ पर सभी भर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन सभी ऑप्शन को आप ध्यान से देख लीजिएगा कि आपका फ्लैट नंबर, रूम नंबर कितना है, ठीक है। और मेरे द्वारा यहाँ पर ये चीजें भरी हुई है, ठीक है। देखिए पूरी जो मेन चीजें हैं इसमें वो है आपका स्टेट, और आप कहाँ पे रहते हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे, कहाँ का डोमिसाइल मतलब स्थायी निवास प्रमाण पत्र दोस्तों, जो कि आपके सर्टिफिकेट का होगा, ठीक है। स्थायी जहाँ पे आप, जहाँ का आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, और जो करेस्पॉन्डिंग रहता है ये जहां पर आप अभी प्रेजेंट टाइम पे रह रहे हैं, ठीक है। तो करेस्पॉन्डिंग में आप वहां का एड्रेस डाल सकते हैं, आप दोनों में भी सेम डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में आपके पास में स्टेप थ्री खुलता है, अदर डिटेल्स। यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपके पास एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन है, तो अगर आपके पास है तो यहाँ पर आपको यस करना है, और यहाँ पर आपको उसकी वैलिडिटी डेट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये सभी चीजें डाल देनी है। अगर आपके पास में एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए दोस्तों। मैं आपको बता दे रहा हूँ, यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के लिए एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम आप जरूरी नहीं है। पहले ये मैंडेटरी होता था, कंपलसरी होता था, जिसके पास ये सिस्टम नहीं होता था वो फॉर्म नहीं भर सकता था, और फॉर्म भी भर भी देता था तो वो बाद में जाके बाहर हो जाता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे दोस्तों हाईकोर्ट के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है, तो अब एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम जरूरी नहीं है। अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप यस करके सारी जानकारियां डाल दीजिएगा। यहाँ पर आपको अपने एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालना पड़ेगा, यहाँ पर आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उसकी डालनी पड़ेगी कि किस तारीख को आपने रजिस्टर किया था, और यहाँ पर आपको वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन
अब 2 ईयर के कब तक वो वैलिड है ये सब कुछ डालना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा कि हैव यू लिस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टेरिटरी आर्मी, क्या आपको कोई एक्सपीरियंस है? अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप कभी इससे पहले ब्लैकलिस्ट हुए हैं, ठीक है, तो नो, आप कभी ब्लैकलिस्ट अगर हुए हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। फिर क्या आप कहीं और एग्जाम से ब्लैकलिस्ट हुए हैं? तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपनी सारी जानकारियां डाल देनी है, ठीक है। अगर आपके कुछ अदर डिटेल्स आप भरना चाहते हैं यहाँ पर कि फादर्स ऑक्यूपेशन क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, ये सभी चीजें भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। लेकिन EWS अगर आपके पास है तो यहाँ पे yes का जो ऑप्शन है इसे रहन दीजिएगा, और अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप no कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अब आप यहाँ पे जो डेट ऑफ आपकी रजिस्ट्रेशन है इसमें आयोग की जो साइट है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पर आपको जो भी सन दिखा रहा है वह 2020 से पहले के नहीं दिखा रहा है, यानी कि हम कहेंगे, देखिए अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 2020 तक की अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे 2020 तक का हमारा कोई भी ईयर नहीं दिखा रहा है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें, देखिए ये 2020 है तो 2020 से पहले के ईयर यानी कि कब आपने ये रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उसका ईयर अभी शो नहीं हो रहा है, तो ये थोड़ा सा साइट की प्रॉब्लम हो सकती है। आयोग के द्वारा या कंडक्टिंग बॉडी के द्वारा इसको बहुत जल्द सही कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है ये देखिए नवंबर दिसंबर 2020 से पहले की अभी दिखाई नहीं रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको ये दिखाने लग जाएगा, तो यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को सही कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए फॉर्म भरने में अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है, और अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली नो भी कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। तो अभी आप मेरे पास ये अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये डेट मेरे पास अभी आई हुई नहीं है, तो आप इसका इंतजार भी कर सकते हैं या फिर आप इसके आगे के स्टेप में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप इसे फिर अगर नो करते हैं तो फिर आप यहाँ से सीधे आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि आप नो करने के बाद भी फॉर्म भर सकते हैं, ये कोई भी कंपलसरी नहीं है। और अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालनी पड़ेगी जो कि अभी दिसंबर से पहले, नवंबर दिसंबर से पहले की प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम यूनिक है और आयोग के द्वारा इसको बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। मेरे द्वारा भी आयोग को संवाद कर दिया गया, मेल कर दिया गया, आप लोग भी अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो संवाद और मेल कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी अपनी सारी जानकारी आप लोग को यहाँ पे भरनी है, अगर आपके यहाँ पे ऑप्शन आ जा रहा है 1-2 दिन में ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए यहां से आपको ये सारी जानकारी भरने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहां पर सबसे पहले मैं इसे नो कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी डाटा भरा नहीं है, तो यहां से मेरे को ये नेक्स्ट करना है। तो सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद देखिए आप चौथा जो हमारे पास फोल्डर आया हुआ वो आया हुआ क्वालिफिकेशन का, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन जैसे अगर आप 10th है तो आप 10th डाल दीजिएगा, अगर आप 12th है तो 12th डाल दीजिएगा, इसी के साथ आप ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, तो आपको सभी जानकारी यहाँ पर डाल देनी है और परसेंटेज और अपने डिटेल्स आपको बिल्कुल सही तरीके से डालनी है। अगर आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे एड नहीं है तो यहाँ पर आप उस क्वालिफिकेशन को एड भी कर सकते हैं। तो एड करने के लिए देखिए यहाँ पे सिलेक्ट एंड ऑप्शन आ रहा है कि आपने 10th एड करना है, 12th करना है, डिप्लोमा हो, ग्रेजुएट हो, पीजी डिप्लोमा हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, एमफिल हो, पीएचडी हो, एनईटी या स्लेट सेट हो, सर्टिफिकेट्स आपके पास में कोई बैचलर ऑफ बीएड हो, इंटीग्रेटेड पीजी है, एमएड है, यहां पर आप ट्रिपल सी भी दोस्तों ऐड कर लीजिएगा, और ट्रिपल सी के लिए आपको नॉर्मली ट्रिपल सी आपको ऐड करना पड़ेगा, एक मिनट, बैचलर ऑफ बीपीएड, तो ट्रिपल सी का भी आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे जाके, ठीक है। जो सर्टिफिकेट्स आ रहा है यहाँ पे आप जाइएगा और यहाँ से आप ट्रिपल सी भी ऐड कर सकते हैं कि किस ईयर में आपने ट्रिपल सी किया और कौन सा आपने कोर्स किया। जैसे यहाँ पर आया है कि सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट चूज करना है और नेम ऑफ कोर्स में अगर आपके पास ट्रिपल सी है तो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और सब्जेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं कंप्यूटर, तो यहाँ पर आप कंप्यूटर सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। कितने मंथ का आपका ट्रिपल सी? 6 मंथ का होगा। रिजल्ट पास होंगे आप तो पास डाल दीजिएगा। यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। एनआईआरटी जो कराता है, ठीक है। स्टेट कौन से स्टेट से किया है वो सभी चीजें आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, तो आपका यहाँ पर ट्रिपल सी भी ऐड हो जाएगा, और उसे भी दोस्तों ऐड कर दीजिएगा। अब मेरे पास अगर ट्रिपल सी नहीं है तो मैं यहाँ से इनको इसको ऐड ही नहीं करूंगा और सीधे यहाँ से दोस्तों नेक्स्ट लेवल पे चले जाता हूँ। और ये जानकारी आप जरूर चेक कर लें कि आपका हाई स्कूल, इंटर, एमए और बीए ये सभी चीजें अगर सही है उसी के बाद आप यहाँ से आगे बढ़े। और दोस्तों अगर आपको यहाँ पे कुछ एडिट करना है, जैसे आपको 10th में कुछ, 12th में कुछ, ग्रेजुएट में या कुछ अन्य डॉक्यूमेंट में एडिट करना है, तो यहाँ पर आप जो ये एडिट का ये पेंसिल वाला बटन आ रहा है यहाँ पर डाल के इसे एडिट कर सकते हैं। अगर आपको दोबारा से क्वालिफिकेशन एड करनी है तो यहाँ पर आप ये चीजें डिलीट करके दोबारा से यहाँ से आप क्वालिफिकेशन को ऐड भी कर सकते हैं। तो सभी जानकारी आप सही तरीके से डालें, क्वालिफिकेशन ईयर आप यहाँ पे अगर सेट करना चाहते हैं तो वो भी सेट कर सकते हैं। बाकी बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आगे देखिए स्टेप 4 है। स्टेप 4 में भी आपका यही है कि आपको ये जो चीजें हैं आप अच्छी तरीके से यहाँ पे सेट करनी पड़ेंगी कि क्वालिफिकेशन ईयर और ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और इंटरमीडिएट, ये चीजें आपको अच्छी तरीके से सेट करनी पड़ेंगी, उसके बाद आप यहाँ से आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप एडिट करेंगे तो आपको यहाँ पे सारी जानकारियां भरनी है, आपका स्टेट कौन सी बोर्ड से किया आपने, पास है, कौन सी डिवीजन है, कितने साल का कोर्स है और आपके सब्जेक्ट क्या कहते हैं। जैसे कि आपका सब्जेक्ट अगर हाई स्कूल का है तो सब्जेक्ट आपका होगा और 1 ईयर का आपने पास आउट किया हुआ है, ठीक है। तो ये सभी जानकारी आपको डालनी है और यहाँ से अपडेट कर देना है। जैसे आप इसे अपडेट करेंगे तो आपकी देखिए एक जो आपके 10th है ये अपडेट हो गया, ऐसे आपको 12th ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को भी ऐसे ही आपको अपलोड करना है, यानी कि यहाँ से एडिट करके ये चीजें करनी है, ठीक है। उसी के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं।
उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर सभी क्वालिफिकेशन ईयर और अपने जो भी इसके अंदर आपको डाटा है उसे यहाँ से एडिट करके सभी को एडिट कर लेना है और उसके बाद में आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है। उसके बाद में आप जैसे यहाँ से नेक्स्ट दबाते हैं तो आपके सामने ये स्टेप 5 खुल के आता है कि आर यू हैव एम्प्लॉयड, तो आप यहाँ पे नो अगर आप हैं तो आप यहाँ पे येस कर सकते हैं और अपनी एनओसी लगा सकते हैं। बाकी सारी डिटेल आप यहाँ पे स्टेप 5 में देख लीजिएगा फिर, ठीक है। फिर आपको फिर से यहाँ पे नेक्स्ट करना है और आप स्टेप 6 पर आसानी से पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप जैसे ही स्टेप 6 में पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी फोटो, अपने अपना सिग्नेचर और अपना जो फिंगर है मतलब उसका आगे कैसे फिंगरप्रिंट अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए फोटो आपको 30 KB से लेकर 100 KB के बीच की, सिग्नेचर आपको 20 KB से लेकर 50 KB के, और लेफ्ट थंब का इंप्रेशन आपको डालना है 20 KB से लेकर 50 KB के बीच का, ठीक है। और इमेज आपका सिर्फ और सिर्फ जेपीजी फाइल, जेपीईजी फाइल, पीएनजी फाइल के ही चलेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी सारी जानकारियां लिख लेनी है, आई हैव एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन, और यहाँ से आपको फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ऐसे आप जब आप देखिए आप दोस्तों स्टेप 7 पे पहुंच जाएंगे और यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा फॉर्म भरने का प्रोसेस, यानी कि जो 854 पदों पर भर्ती आई है, आप अगर मेल है तो आप यहाँ पे मेल का फॉर्म भर सकते हैं और अगर आप यहाँ पे फीमेल है तो आप यहाँ से फीमेल्स के लिए सभी फॉर्म भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा गया आर यू ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, तो आपने लिखा यहाँ पर यस, क्योंकि आप ग्रेजुएशन है। तो आप देखते अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं तो आप सहायक समाज कल्याण अधिकारी, छात्रावास अधीक्षक, सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी, इसके लिए सहायक स्वागति, ग्राम विकास अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और सहायक प्रबंधक उद्योग का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन ड्यूरेशन, क्वालिफिकेशन आपका कितने साल का ग्रेजुएशन, 3 साल का है या 4 साल का, ठीक है। तो 3 साल का होता है नॉर्मली ग्रेजुएशन, तो आपको यहाँ पे 3 ईयर डालना है। देखिए अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 पोस्ट है। पहली जो पोस्ट है समीक्षक की, तो समीक्षक के लिए आपकी कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन चाहिए कि क्या आपका ग्रेजुएशन में हिंदी था, अगर आपका था तो यहाँ पर आपको यस करना है, और क्या आपका इंटरमीडिएट में इंग्लिश था, तो आपका था तो आपको यहाँ पे यस कर देना। अगर आपका ग्रेजुएशन में हिंदी नहीं था, यानी कि अगर आप कॉमर्स वाले हैं और अगर आप बीएससी वीएससी वाले हैं या बीटेक वाले हैं, तो आपका ग्रेजुएशन में हिंदी नहीं होगा तो यहाँ पर आपको नो कर देना, यानी कि आप समीक्षक का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए संरक्षक और डाटा एंट्री ऑपरेटर, यहाँ पे भी दोस्तों अगर आपका ग्रेजुएशन है हिंदी में, हिंदी सब्जेक्ट रहा है कोई ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, तो यहाँ पर आपको यस करना है, और इंग्लिश अगर इंटरमीडिएट में रहा है तो यहाँ पे यस करना है। तो इंग्लिश हो सकता है कि सभी का इंटरमीडिएट में रहा हो 8 वालों को छोड़कर, तो वही ये जो क्राइटेरिया है ये उन लोगों के लिए मेनली जो कि इंटर तो साइंस से करते हैं या कॉमर्स से करते हैं और बाकी आगे जाकर फिर ग्रेजुएशन में बीए करते हैं, तो वो लोग समीक्षक और संरक्षक का डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म भर सकते हैं। अगला दोस्तों है क्या ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लिए अगर आपके पास CCC है, यहाँ पे पूछा गया डू यू हैव CCC सर्टिफिकेट NIELIT का, तो यहाँ पर आपको यस करना है, अगर आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर देना है दोस्तों। और आप ध्यान रखें कि CCC सर्टिफिकेट आपके पास डेट से पहले का ही होना चाहिए, ठीक है, डेट से पहले का आपके यहाँ पर CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन सभी चीजों को यहाँ पर आप क्लियर करने के बाद में अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप सभी पोस्टों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपके पास में CCC नहीं है या ये 3 सब्जेक्ट नहीं है तो आप यहाँ पर ऐसे ऐसे नो भी कर सकते हैं, यानी कि इन तीनों को आप लोग ऐसे हटा लीजिएगा, या आपके पास कोई भी एक आपको जैसे आप समीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं तो यस करना है, संरक्षक का डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म भर सकते हैं यस करना है, VPDO का फॉर्म अगर आपके पास CCC नहीं है तो आप इसे रहन दीजिएगा, इसको आप फिलअप नहीं कीजिएगा तो आप ये आपका फिल नहीं होगा। इसके बाद में आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करने के बाद देखिए आपके पास सारी जानकारी आएगी, यानी कि जो आपका पूरा फॉर्म है ना वो आपके सामने ओपन हो चुका है कि आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपकी सारी चीजें जो जो भी आपने यहाँ पर फिल की हुई है और किन किन पोस्टों के लिए आपने आवेदन किया। देखिए सहायक समाज कल्याण अधिकारी, छात्रावास अधीक्षक, सहायक समीक्षा अधिकारी, यानी कि दोस्तों अभी आपको प्रेफरेंस नहीं देनी है। काफी सारे लोग ये कहते हैं कि सर वीडियो और VPDO में क्या हमें डिस्ट्रिक्ट चूज करना पड़ेगा, क्या हम जिले से फॉर्म भरेंगे जैसा कि पहले पिछले सालों तक होता था, जैसा पटवारी में होता था, तो दोस्तों बिल्कुल नहीं, आप लोगों को किसी भी जिले से अभी फॉर्म नहीं भरना है, जिले सिलेक्शन आप लोगों के जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में किया जाएगा। तो अभी आप इन सभी पोस्ट है जो भी यहाँ पर पोस्ट है लिखी गई है, अगर आपके पास VPDO है तो यहाँ पर VPDO भी लिखा हुआ आ जाएगा, तो आप इन सभी पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कुछ चेंज करना है या कुछ संशोधन करना है तो आप यहाँ पे जाके इसको संशोधन कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट देख लीजिएगा, अपना नाम, एड्रेस, आधार कार्ड और सभी जानकारियां काफी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी हमारी यहाँ से गलती ना हो। उसके बाद में आपको आगे जाकर यहाँ पे अपना आज की डेट डालनी, जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं, आपको प्लेस डालना है कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, बाकी देखिए एग्जाम सेंटर आपको डालना है, ठीक है। आप एग्जाम सेंटर कहीं भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने सपोज दैट पहला जो एग्जाम सेंटर है वो दक्षिण नगर डाल दिया, और अगर मैं बात करूं दूसरा एग्जाम सेंटर तो मैंने डाल दिया नैनीताल, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी एग्जाम सेंटर डाल सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड, कि आप पेमेंट किससे करना चाहते हैं, HDFC से करना चाहते हैं या बैंक ऑफ बड़ौदा से करना चाहते हैं, ठीक है, या किसी और के थ्रू करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप उसके थ्रू पेमेंट का ऑप्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्लेस है, तो प्लेस मैं कहीं का भी लिख देता हूँ, जैसे सपोज डेट मैंने लिख दिया रुद्रपुर, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, उसके बाद में आपको यहाँ से पे नाउ करके आगे आपके पास पे का ऑप्शन भी आ जाएगा। उसके बाद सारी जानकारियां भरने के बाद आपसे आपको यहाँ से पे नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा गया है कि आप सभी चीजें एग्री एंड पे करते हैं, यानी कि इसके बाद में आपका इन चीजों में कोई भी संशोधन नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे एग्री एंड पे करते हैं,
आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे पेड करने का ऑप्शन आ रहा है कि आपके पास कौन से बैंक का कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड होगा आप लोगों के पास, या नेट बैंकिंग से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप किसी भी बैंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद में आप लोगों का जो प्रोसेस है वह चेकआउट भी हो जाएगा, यानी कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी और आपका फॉर्म दोस्तों अच्छी तरीके से फिलअप हो जाएगा। तो सभी जानकारियां आपको मैंने दे ही दी है और इसी आधार पर आप अपना फॉर्म भरिएगा। बाकी कहीं पर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और बाकी जो ऑप्शन अभी आ रहा है आपका इम्प्लीमेंटेशन वाला, वो बहुत जल्दी सही हो जाएगा, तब तक आप इंतजार कर लीजिए क्योंकि 24 दिसंबर तक अभी काफी समय है फॉर्म भरने का। आप में से काफी सारे लोग कंफ्यूज थे कि सर क्या भरूं, जैसे मैं अगर मैं बात करें जनरल और ओबीसी के, यहाँ पे 300 फीस है, अगर आप ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है तो आपकी 150 रुपए फीस है।